हेलो एवरीवन, कल बारिश में मैं भीग गया था और उसके बाद मुझे बुखार हो गया। तो ऐसे में मैं कहूँगा आई हैड अ फीवर, क्योंकि वो बुखार बारिश में भीगने की वजह से हुआ और दवाई खाकर थोड़ा आराम करके मैं ठीक हो गया। लेकिन अगर मैंने कहा कि मुझे काफ़ी पहले मुझे टाइफाइड हुआ था और उस टाइफाइड की वजह से, टाइफाइड में बुखार चढ़ता है उतरता है और वो लंबे समय तक बना रहता है, तो लोगों को सालों कई बार लग जाते हैं और वो बुखार बना रहता है। तो अगर ऐसे में मैंने कहा कि मुझे बुखार था तो मैं कहूँगा आई हैड फीवर। तो टाइफाइड की वजह से रहने वाला बुखार, क्योंकि वो एक क्रॉनिक डिजीज़ हो गई, वो लंबे समय तक बना रहता है, तो ऐसे में हम कहेंगे आई हैड फीवर। लेकिन अगर मैं कल पानी में भीगा, बारिश में भीगा, तो मुझे बुखार हो गया और दवाई खा के मैं ठीक हो गया, तो ऐसे में आई हैड अ फीवर। ठीक ऐसे ही मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे ज़ुकाम था। मान लीजिए मैं रात में सोया एसी में, बाहर निकला टेम्परेचर डिफरेंट हो गया और ऐसे में मुझे ज़ुकाम हो गया, तो मैं कहूँगा आई हैड अ कोल्ड, यानी कि यहाँ पर अ लगाया जाएगा। लेकिन आप जानते होंगे साइनस की वजह से लोगों को लंबे समय तक ज़ुकाम की प्रॉब्लम बनी रहती है, बनी रह सकती है, तो सालों तक ये प्रॉब्लम बनी रहती है। तो इस वजह से अगर मुझे ज़ुकाम था तो मैं कहूँगा आई हैड कोल्ड। या फिर टाइफाइड की वजह से मैंने आपको बताया, साइनस की वजह से या माइग्रेन की वजह से लोगों को लंबे समय तक सर में दर्द उनके बना रहता है और ये माइग्रेन की प्रॉब्लम जल्दी ख़त्म नहीं होती है, बरसों तक लोगों को ये प्रॉब्लम सताती है। तो ऐसे में अगर मैंने कहा कि मुझे सर में दर्द था मेरे, तो मैं कहूँगा आई हैड हेडेक। लेकिन मान लीजिए कल मैं परसों रात को सो नहीं पाया ठीक से और आराम नहीं कर पाया और इसकी वजह से मुझे सर में दर्द हो गया, तो मैं कहूँगा आई हैड अ हेडेक, क्योंकि वो थोड़ा आराम करने के बाद ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि आप इसके अंतर को आप समझ गए होंगे। क्रॉनिक डिजीज़ के साथ में हम अ का इस्तेमाल नहीं करते, और जो टेम्प्रेरी होती हैं कुछ समय के लिए, कुछ समय का मतलब है कि जैसे मैं भीगा और बुखार हो गया और मैं ठीक हो गया दवाई खा के, तो उसके लिए हम अ का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है कि अभी आपको क्लियर होगा। थैंक यू।